सो लट्स स्टार्ट द क्लास ठीक है लास्ट क्लास में वी टॉक्ट अबाउट चार्स लॉ चार्ल्स लॉ इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सीधी सीधी बात है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है ओके दिस इज़ वेरी सिंपल ओके इसको डायरेक्ट रिलेशनशिप है बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर का ओके okay? या चार्ल्स लॉ ही है और इसीलिए अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम इज़ इक्वल टू के टी ये बोलता हूँ सो के इज सम कॉन्स्टेंट ओके और इसीलिए वॉल्यूम बा टेम्परेचर इसका जो रेशियो रहेगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ठीक है ना तो दो चीज़ें अपने को कॉन्स्टेंट रखनी पड़ रही है हर बार प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस ओके ये दो चीज़ें अपन कॉन्स्टेंट रखेंगे अगर कॉन्स्टेंट इसका मतलब वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ ठीक है चार्ल्स ने ये चीज़ बेसिकली ग्राफिकली प्लॉट करके किया था ये अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं सो यहाँ पे देखो आ, ग्राफिकली उसने प्लॉट किया तो क्या किया उसने अलग अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम मेजर किया और उसको देखा कि टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होता है वॉल्यूम वैसे वैसे डिक्रीज़ होता है ओके तो उसने ये लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर लिया एट सर्टन पॉइंट एंड जो पॉइंट पर यह ज़ीरो वॉल्यूम दिखा रहा था दैट इज़ कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो इससे छोटा टेम्परेचर हो नहीं सकता बिकॉज एट दिस पॉइंट द वॉल्यूम इज़ जीरो सो ज़ीरोनाट एक्चुअली हैव नेगेटिव वॉल्यूम इसेंशियली पॉइंट ये है कि दैट इज़ द टेम्परेचर दैट इज द लोएस्ट टेम्परेचर और ये टेम्परेचर पे अपन काइनेटिक एनर्जी के साथ कोरिलेट करते हैं कि ऑल मोशन एक्चुअली सीजेस टू एग्जिस्ट एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर सारे मोशंस जो है काइनेटिक मोशंस uh, ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते ओके okay? थेरोटिकली uh, अपन बहुत क्लोज आ चुके हैं एट दिस टेम्परेचर वी विल नेवर बी अचीव एग्जैक्ट टू पॉइंट सेवन थ्री पॉइंट वन फाइव ठीक है अप्रोक्सीमेटली इसको अपन टू सेवनटी थ्री ही लेते हैं बेसिकली टू सेवेंटी थ्री कैलविन समझ में आए ना टू टू सेवेंटी थ्री माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू जीरो कैलविन अप्रॉक्सीमेटली ठीक है दैट इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर देखो चार्ल्स और गेलोसैक इसने ये देखा था ओके दिज आर द टू साइंटिस्ट दैट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिबल और उनको ऐसा दिखा कि इफ यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर बाय वन डिग्री एक डिग्री से अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस बाय वन बाय टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ओके तो दिस इज़ अ फैक्ट बेसिकली अगर टेम्परेचर में एक डिग्री से बढ़ाता हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है दैट एक्चुअली इंक्रीजेस बाय वन बाई टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम समझ में आया ना मतलब अगर मान लो कि इनिशियल uh, जो वॉलीम uh, है दैट इज द एक्स लीटर है एक्स लीटर ले लिया अपन ने इनिशियल वॉल्यूम तो अगर मैं एक डिग्री से इंक्रीज करता हूँ टेम्परेचर ओके प्लस वन डिग्री सेल्सियस ठीक है देखो इंक्रीज या डिक्रीज जो है अपन डिग्री सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो इट डज मेक अ डिफरेंस ठीक है ना तो यहाँ पे मैं डिग्री सेल्सियस में लिख रहा हूँ प्लस वन डिग्री सेल्सियस मतलब जो भी यहाँ पे टेम्परेचर था उससे एक डिग्री सेल्सियस क्या हो गया उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया मैंने तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा एक्स प्लस ओके वन बाय टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव एक्स बराबर है तो एक्स बाय टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव समझ में आया ना सो so, इसेंशियली इसको इसको इस तरह से अगर लिखूंगा मैं तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आई गेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा वन बाई टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ठीक है ना ऑफ एक्स इतने से बड़ा है ओके okay? सो so, देखो टेम्परेचर कितने से बड़ा है इतने से तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा ओके दिस प्लस दिस समझना दिस इज द फाइनल टेम्परेचर एंड दिस इज द सॉरी फाइनल वॉल्यूम नॉट टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम अंडरस्टूड है क्या देखो अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार बता देता हूँ इनिशियल वॉल्यूम है इसका एक्स लीटर अगर मैं इतने से टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ ठीक है ना तो इसका फाइनल जो वॉल्यूम रहेगा दैट इज गोइंग टू बी जो भी इसका इनिशियल था प्लस वन सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव ऑफ़ इट्स इनिशियल सो दैट इज़ दैट ओके दोनों का सम करेंगे अपन तो अपने को फाइनल वॉल्यूम मिलेगा इसका ठीक है तो ये रिलेशनशिप दिखा कि देर इज़ ए रिलेशनशिप ऑफ यू नो टू पॉइंट टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव इसका एक रिलेशनशिप है यहाँ पे ठीक है तो अल्टरनेट जो फॉर्म बनता है चार्ल्स लॉ का चार्ल्स लॉ का ये अल्टरनेट फॉर्म है समझ में लो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम इंक्रीज बाय वन बाय टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम इतने से बढ़ेगा जितना इसका ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा ठीक है ना सो so अगर मान लो जीरो कैलविन लेते अपन जीरो कैलविन जीरो कैलविन पे वॉल्यूम कितना रहेगा जीरो अगर वन कैलविन लेते तो वन से टेम्परेचर बढ़ाते इसका टेम्परेचर इसका वॉल्यूम कितना रहेगा फिर वन बाय टू थ्री पॉइंट वन फाइव लीटर ओके दो कैलविन पे कितना रहेगा टू बाय टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव लीटर ओके थ्री कैलविन पे कितना रहेगा टेम्परेचर इसका सॉरी थ्री टेम्पर थ्री कैलविन पे इसका वॉल्यूम कितना रहेगा थ्री बाय टू थ्री पॉइंट वन फाइव लीटर ठीक है तो इस तरह से मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ ऐट दैट टेम्परेचर ओके लेकिन मेरे को इनिशियल वॉल्यूम मालूम रहना चाहिए यहाँ पर मैं जीरो से चालू कर रहा हूँ ऑब्वियसली तो ये मेरे को रिलेशनशिप मिल रहा है ठीक है ये प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि अपने को वी कैंट रीच ज़ीरो केल्विन एक्जैक्टली सो ये थेरोटिकल हो गया बेसिकली लेकिन जो भी इसका मान लो कोई टेम्परेचर है टी वन और इसका टेम्परेचर मैं टी टू पर चेंज कर रहा हूँ तो इसका जो भी वॉल्यूम रहेगा एक्स वन लीटर ये चेंज हो जाएगा टू एक्स टू लीटर ठीक है ना सो फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट वॉट द वॉल्यूम इज क्योंकि जो भी इसका इनिशियल वॉल्यूम uh, रहेगा ठीक है तो उसका फाइनल वॉल्यूम रहेगा जो अपन अभी रिलेशनशिप जो दिए थे बेसिकली एक्स प्लस एक्स बाय टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ये इसका फाइनल वॉल्यूम रहेगा ओके okay? तो देखो से V0 इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट ज़ीरो डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस ले रहे ध्यान में रखना नॉट जीरो केल्विन ठीक है तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे इसका uh, uh, मतलब वॉल्यूम uh, क्या रहेगा जीरो ज़ीरो जो भी है इनिशियल वॉल्यूम ठीक है दैट इज इनिशियल टेम्परेचर ओके और इसका टेम्परेचर मैं इंक्रीज करता हूँ बाय t डिग्री सेल्सियस ओके जो भी है चार पाँच दस डिग्री से मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली क्या होगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा ठीक है तो अपन इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो बता सकते हैं V0 ज़ीरो ओके इनिशियल वॉल्यूम टाइम्स जो भी इंक्रीज़ हुआ है इजेंटेड जैसे अपन ने अभी रिलेशनशिप लिया था एक डिग्री से बढ़ाते हैं अपन तो इसका वॉल्यूम क्या बनता है कितना मतलब कितना इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर सबसे पहले जो भी इसका इनिशियल वॉल्यूम रहेगा उसका वन बाय टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव ठीक है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर ओके एक डिग्री से अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो इसका वॉल्यूम इतने से इंक्रीज होगा और फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे को इसमें इसका इनिशियल वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा ठीक है दिस इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द वॉलीम दैट इंक्रीज़ एंड दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम तो मेरे को टोटल फाइनल वॉल्यूम मिलता है यहाँ से ओके ना अगर एक डिग्री से इंक्रीज़ कर रहा हो तो इतना इंक्रीज हो रहा है दो डिग्री से इंक्रीज़ कर रहा हो तो इतना इंक्रीज होगा ओके okay? उसी तरह से अगर मैं तीन डिग्री से इंक्रीज करता हूँ सो मुझे राइट दैट हीयर थ्री डिग्री से सो थ्री बाय हो जाएगा फोर डिग्री से तो फोर बाय हो जाएगा अगर टी डिग्री से इंक्रीज़ कर रहा हो तो टी बाय हो जाएगा दैट इज़ वॉट दिस कोशन इज ठीक है ना वी जीरो प्लस वी नॉट बाय टी वि नोट टी डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव होना चाहिए ये टाइपिंग मिस्टेक आ गया है यहाँ पे ठीक है सो दैट इज योर फाइनल वॉल्यूम ठीक है इसको मैं वी जीरो को बाहर निकाल लेता लू ब्रैकेट के सो वी टी इज इक्वल टू वी जीरो वन प्लस टी बाय टू सेवनटी थ्री पॉइंट वन फाइव ओके सो यूजिंग दिस इक्वेशन दिस इज बेसिकली चार्ल्स इक्वेशन इससे अपन फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हैं इसमें मेरे को क्या मालूम होना चाहिए इनिशियल वॉल्यूम मालूम होना चाहिए और इनिशियल टेम्परेचर मालूम होना चाहिए ठीक है 273.15 ये तो अपना फैक्टर हो गया मेरे को इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर ये मालूम होना चाहिए लेकिन अगर ये मालूम है मेरे को तो मैं ये इक्वेशन यूज ही नहीं करूंगा ना मैं सीधा सीधा वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू इक्वेशन यूज करूँगा यसो नो है ना सेम थिंग है दो दो अगर फैक्टर्स मेरे को मालूम है मतलब इसी इक्वेशन का ये फॉर्म है ये दोनों एक ही एक ही इक्वेशन के फॉर्म है ये इक्वेशन से मेरे को ज्यादा कन्वीनियंटली निकाल सकता हूँ मैं इज इट एट ये सो ना दीज आर द ग्राफ्स ऑफ इट बेसिकली ठीक है ये चार्ल्स लॉ के ग्राफ है बेसिकली वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर कैसा रिलेशनशिप है डायरेक्ट वॉल्यूम बढ़ाता हूँ सॉरी या फिर टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो वॉल्यूम बढ़ेगा एंड सो यू गेट दैट रिलेशनशिप ठीक है अगर एक ट्रू है तो अदर भी ट्रू रहेगा ध्यान में रखना वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ना ही है तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना अदरवाइज वॉल्यूम अननेसेसरीली क्यों बढ़ेगा वॉल्यूम वर्सेस वन बाय टी ओके मतलब टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे ये देखो वॉल्यूम जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब वन बाय टी जो है वो इंक्रीज हो रहा है ओके okay? तो वन बाय टी का ये मिल रहा है रिलेशनशिप यहाँ पे लॉग वी बाय लॉक टी ये भी अपने को स्ट्रेट लाइन मिलता है दूसरा वी बाई टी ध्यान में रखना वी बाई टी कॉन्स्टेंट है ना वी बाई टी इज़ कॉन्स्टेंट तो ये अपने को कॉन्स्टेंट लाइन मिल रहा है यहाँ पे ठीक है कोई भी टेम्परेचर ले लो या कोई भी वॉल्यूम ले लो उस पर वी बाय टी का जो रेशो है ये हमेशा कॉन्स्टेंट मिलेगा एंडर इज़ वॉट वी सी इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है इट इज़ नॉट चेंजिंग ओके इसीलिए अपन वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ओके okay? देखो एग्जाम्पल से ही अपने को सारी चीज़ें जो डिटेल में समझ में आती है सिर्फ पढ़ के नहीं होता ठीक है ओके okay, सो so यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपन देखते हैं और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे ओके okay? एग्जाम्पल है इफ अ बलून कंसिस्ट ऑफ 2.2 पॉइंट टू लीटर ऑफ गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ एटीन डिग्री सेल्सियस यानी इट हीट्स अप टू अ टेम्परेचर ऑफ थर्टी एट डिग्री सेल्सियस वॉट इज द न्यू वॉल्यूम देखो सीधी सीधी बात है अपने को वी वन दिया है वॉल्यूम वन ठीक है ना विच इज टू पॉइंट टू लीटर ओके okay. ये वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम दे दिया है इनिशियल टेम्परेचर अपने को दिया है अपने को दिया 18 डिग्री सेल्सियस मेरे को कैलविन में उसको कन्वर्ट करना है सो दैट इज 291 नाइन्टी कैलविन ओके टी टू अपने को दिया है कितने टेम्परेचर पे उसको हीट किया है सो थ्री वन वन ओके और अब इसका मेरे को वी टू पूछा है वॉल्यूम सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़ बेस्ड अपॉन चार्ल्स लॉ वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू ठीक है ना अपने को वी टू निकालना है तो वी टू के लिए सॉल्व करो वी वन बाई टी वन टाइम्स टी टू हो गया सारी वैल्यूज़ रखना है जो भी आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी योर वॉल्यूम इसको सिर्फ वेरीफाई करना है बाद में ये कि जैसे अपन टेम्परेचर देखो बढ़ा रहे टू नाइन्टी वन से लेके कर थ्री वन वन तक तो, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया अपन ने टेम्परेचर ठीक है so, सो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जस्ट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया है ये जो इंक्रीज़ है ये 20 डिग्री से बढ़ाया अपन ने ओके okay? तो वॉल्यूम अपना उसी अमाउंट में बढ़ेगा ओके okay? जितना इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसी अमाउंट में जनरली अपना वॉल्यूम बढ़ता है तो ये थोड़ा सा वेरीफाई करते आना चाहिए अपने को अप्रॉक्सीमेट एंड दैट शुड बी इनफ तो यहाँ पे अपना फाइनल जो वॉल्यूम आ रहा है दैट इज़ 231 थर्टी वन इनिशियल था टू पॉइंट टू देखिए ये अपना इनिशियल वॉल्यूम है और फाइनल वॉल्यूम आ रहा है टू पॉइंट थ्री फाइव लीटर्स ओके सो दर इज ए इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड देट इज अबाउट अप्रॉक्सीमेटली साउंड सीम्स टू बी द राइट आंसर एंड टूडे सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन ओके नेक्स्ट जो लॉ देख रहे हैं अपन दैट इज कॉल्ड एज एफेगैड्रोज लॉ ओके ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमेस्ट्री ठीक है ये अपन ने देखा है तो इसने क्या बोला है कि अगर दो कंटेनर लेता हूँ मैं मान लो सो दीज आर द टू कंटेनर्स और द सेम वॉल्यूम एंड एवरी थिंग ठीक है ना अब यहाँ पे इसने बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम है दोनों का दोनों का अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है ऑब्वियसली वॉल्यूम भी सेम है टेम्परेचर सेम के okay, वॉल्यूम सेम प्रेशर सेम इसका मतलब यहाँ पे जो गैस रहेगा ओके okay, इसका अमाउंट सेम रहेगा क्या इसने ये बोला कि गैस सेम रहेगा नहीं उसने क्या बोला जो भी गैसेस है उनका अमाउंट सेम रहेगा इसका मतलब मान लो कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें हीलियम है, ओके okay? ये दो गैसेस है तो इनका अगर मैं वॉल्यूम सेम रखता हूँ टेम्परेचर सेम रखता हूँ और प्रेशर भी सेम रखता हूँ तो जो अमाउंट होता है एन दैट इज़ ऑल्सो सेम दूसरा तुमको ध्यान में रखना ये है कि जो अपना एवेकेट्रोज नंबर था सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू पावर ट्वेंटी टू ये जो अपना नंबर था बेसिकली ये इसी के ऑनर में दिया गया उसका उसने देखो ये बताया था कि टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर अगर सेम है तो अमाउंट भी सेम रहेगा फॉर एनी गैस बेसिकली डिजेंट रियली मैटर ओके सो इट विल हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इसका मतलब क्या हो गया स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ऑबीसली इसको ये नहीं था मालूम कि इतना नंबर था एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स और सो ये डिस्कवरी uh, की गई बेसिकली कैलकुलेटेड द नंबर के वन मोल कितना होता है तो उसको अपन बोलते हैं अवेगैड्रोज नंबर इन ऑनर ऑफ़ अमीडियो अवेगैड्रो ठीक है नेक्स्ट लॉ जो है वो है एमेंटॉन्स लॉ ओके एमेंटॉन्स लॉ इसको अपन गेलुसेक्स लॉ भी बोलते हैं एमेंटॉन्स लॉ को ही समझ में आया दोनों नाम ध्यान में रखो गेल लॉ या अमेंटॉन्स लॉ इसने बोला है प्रेशर ऑफ़ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है तो ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है ओके प्रेशर एंड वॉल्यूम इसका सॉरी प्रेशर एंड टेम्परेचर ओके प्रेशर एंड टेम्परेचर इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है मतलब टेम्परेचर बढ़ाता हूँ मैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा एजेंट मेक्सेंस एजेंट सो so, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे अपन वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर इज़ पी बाय टी इसका जो रेशियो रहेगा दैट इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर इसका जो uh, ये आता है रिलेशनशिप आता है दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट ओके और इसी को मैं लिख सकता हूँ पी वन बाय टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू ओके दैट इज़ ऑलवेज़ गोइंग टू सो ये इक्वेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ मेरे को अगर इनिशियल कंडीशंस मालूम है तो फाइनल में से एक वेरिएबल अगर मालूम है तो दूसरा वेरिएबल मैं निकाल सकता हूँ ओके फाइनल कंडीशन का सो आई कैन फाइंड आउट कि ये टेम्परेचर पे इसका प्रेशर और टेम्परेचर ये है तो अगर मैं टेम्परेचर डबल करता हूँ तो इसका प्रेशर कितना रहेगा आई कैन फाइंड दैट आउट ठीक है जैसा चार्ल्स लॉ का डेरिवेशन था ठीक है ना उसी तरह से प्रेशर का भी एक रिलेशनशिप बनता है क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेशर बढ़ता है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर तो जैसे फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू पी जीरो वन प्लस टी बाय टू सेवेंटी थ्री ये चार्ल्स का ही है सिर्फ वॉल्यूम की जगह मैं प्रेशर ले रहा हूँ यहाँ पे वी की जगह पी टर्म्स ले रहा हूँ एवरीथिंग एल्स इज सेम ओके टेम्परेचर जो लेते हैं अपन दोनों इक्वेशन में चार्ल्स लॉ एज वेल एज दिस पर्टिकुलर लॉ ठीक है गेलुसैक्स लॉ के जो इक्वेशन है इसमें टेम्परेचर हम लोग डिग्री सेल्सियस में ले रहे हैं ओके okay? इसीलिए अपने को डिवाइड करना पड़ रहा है बाय 273.15 सेवेंटी थ्री में रखना सो so ये जो टेम्परेचर है दैट मस्ट बी इन डिग्री सेल्सियस ये सो इन मेनी केसेज यू डोंट यू वन नीड टू यूज़ दिस इक्वेशन क्योंकि यू नो दिस इक्वेशन दिस इक्वेशन इज़ गुड इनफ ठीक है ना ये इक्वेशन से ही काम बनता है सो दैट्स फाइन यू डोंट नीड टू यूज दैट इक्वेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रेशर और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्ट्रेट लाइन मिलेगा तुमको ओके प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू टेम्परेचर तो देखो प्रेशर बढ़ा रहे हैं अपन सॉरी प्रेशर कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ओके इनवर्स वन बाई टी इंक्रीज हो रहा है सॉरी नॉट टेम्परेचर बट प्रेशर प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहे तो वन बाई टी इंक्रीज हो रहा है ओके लॉक पी और लॉक टी का ये दिस इज बेसिकली सेम एज चार्ल्स लॉ इजेंट चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ्स थे सेम सेम ग्राफ्स यहाँ पे भी मिल रहा है अपने को ओके okay? ये जो ग्राफ्स होते हैं इनको अपन बोलते हैं आइसो ठीक है आइसोकोर्स बोलते हैं। आइसोकोर मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम समझ में आया ना आइसोकोर का मतलब क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके ये जो प्रोसेसेस है दीज आर ऑल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए इनको अपन आइसोकोर प्रोसेसेस बोलेंगे या फिर ये ग्राफ को आइसोकोर ग्राफ बोलेंगे ठीक है ये मैं अलग अलग वॉल्यूम uh, पे मेजर कर सकता हूँ ओके okay? सो दिस इज़ एक्चुअली जीरो यू कैन से ज़ीरो कैलविन ओके मैं यहाँ से एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ उसको सो वॉट दिस मीन्स इज जैसे ओके आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ओके मैं इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ टेम्परेचर को क्या कर रहा हूँ डिक्रीज़ कर रहा हूँ टेम्परेचर को डिक्रीज़ करूंगा तो प्रेशर भी डिक्रीज़ होगा ओके एट सर्टन पॉइंट तक और फिर इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करता हूँ तो ये ज़ीरो कैलविन पे चले जाएगा ओके okay? तो ये ये होता है माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव अगेन मिलेगा मेरे को तो यहाँ से भी मेरे को वही मिल रहा है जो चार्ल्स के ग्राफ में से मिल रहा है ओके मैं दूसरे वॉल्यूम के लिए करता हूँ ओके okay? छोटा वॉल्यूम लेता हूँ उससे थोड़ा सेम प्रोसेस करता हूँ रिपीट करता हूँ टेम्परेचर डिक्रीज करते जाऊँगा वॉल्यूम डिक्रीज़ होते प्रेशर डिक्रीज़ होते जाएगा वॉल्यूम कॉन्सेंट रख रहा हूँ मैं यहाँ पे V1 वन इज मोर देन वी टू मोर देन वी थ्री मोर देन वी फोर ठीक है अलग अलग वॉल्यूम पे अपन इसको ग्राफ को प्लॉट कर रहा है सो वी गेट दीज ग्राफ्स अंडरस्टूड है थोड़ा सिंपल है समझने के लिए दिस इज केलोसैक लॉ या एमेंटॉन्स लॉ ठीक है सो लेट्स रिवाइज द फोर ग्राफ्स थोड़ा पीछे जाते हैं एंड रिवाइज़ ऑल दिस फोर ग्राफ्स ओके सो बॉयल्स लॉ ठीक है ना ध्यान में रखना पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू ओके इसको अपन बॉयल लॉ बोलते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इसका सिमुलेशन भी अपन ने देखा था ठीक है ये जो ग्राफ है राइट ये ग्राफ क्या है बेसिकली एज द प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस बराबर है यह प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है ना एज द प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम या फिर जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूँ तो वैसे मैं वैसे क्या होगा वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा ओके एंड दिस इज एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो इस ग्राफ को अपन आइसो थर्म बोलते हैं ध्यान में रखना ये टर्म ये आगे यूज करने वाले दिस ग्राफ्स आर कॉल्ड एज आइसोथर्म्स ओके बोथ ग्राफ्स या दोनों आइसोथर्म ये प्रेशर वर्सेस वी बाय वन बाय वी है एंड दिस इज प्रेशर वॉल्यूम ये ग्राफ अपने ज़्यादा काम का है सो दिस इज एक्चुअली आइसोथर्म ओके सो दिज आर रिमेंबर दिज आर कॉल्ड एज आइसोथर्म ये अलग अलग टेम्परेचर पे टी टू इज मोर टी वन इज लेस ओके देन वी हैव चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ अपन बोलते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर इसका डायरेक्टली रिलेशनशिप है आगे okay, अगर मैं प्रेशर कॉन्स्टेंट रखता हूँ प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा और टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ होगा ऑब्वियसली ठीक है ना वी बाई टी ये कॉन्स्टेंट आता है इसीलिए अपन वी वन बाई टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू लेते हैं ओके okay, ये भी थोड़ी देर पहले देखा था लास्ट इसमें अपन ने इसका सिमुलेशन भी देखा था ठीक है और यू गेट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रेशर इज़ कांस्टेंट ठीक है ना तो इसको अपन बोलते हैं आइसो बार बार ये प्रेशर का ही यूनिट है इज है ना तो इसेंशियली इसको अपन क्या बोलते हैं आइसो बार ये प्रेशर इज़ कांस्टेंट ओके सो वट एवर वेन एवर यू हैव अ प्रेशर कॉन्स्टेंट सिचुएशन इसको अपन आइसो बार ही बोलेंगे ओके दिस इज़ अवर चार्ल्स इक्वेशन बेसिकली वी टी ए या फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ द रेगुलर इक्वेशन ओके वी बाई टी वाला इक्वेशन ठीक है ना दिस इज दिस आर ऑल आइसो ग्राफ आइसो बार बेसिकली सो वी वी और टी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है ओके ये डायरेक्टली इंक्रीज होता है सो ये ये भी आइसो बार है बेसिकली ओके और वी बाई टी का रेशियो के साथ आई कॉन्सटेंट ओके वी बाई टी का रेशियो कॉन्स्टेंट ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है वी वर्सेस वन बाय टी ओके okay, इस तरह का ग्राफ मिलेगा जैसा आपने को बॉयल में मिला था उस तरह का ग्राफ मिलता है यहाँ पे वी वर्सेस वन बाई डी देन अवैक एड लॉ वी वन बाई एन वन इक्वल टू वी टू बाई एन टू ये अपन ने इस में देखा था बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में ऑलरेडी तो इसलिए इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं सिंपल रिलेशनशिप बेसिकली अगर इसका मतलब ये हो जाता है बेसिकली कि वॉल्यूम जो है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप अमाउंट के साथ है अगर अपन प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो वज सो um, so जैसे जैसे मान लो uh, अपन एयर uh, फिल कर रहे हैं ठीक है किसी टायर में तो क्या होता है अपन ज़्यादा एयर भर रहे हैं ना उसके अंदर तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा इट ये डायरेक्ट अपलिकेशन हो गया वेगेड लॉ का ओके ओबियसली प्रेशर भी है, है है, बढ़ता है लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं अपन इनिशियली जो है प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता इनिशियली स्टार्टिंग में जब एकदम टायर फ्लैट है और उसमें तुम हवा भर रहे हो तो टायर सीधा उठता है पहले प्रेशर नहीं बढ़ता ओके थोड़ा सा इंक्रीज होता है प्रेशर में सो वॉट इज ये प्रेशर अगर ये कर रहे हैं या फिर एक बलून ले लो छोटा सा और उसमें हल्की सी हवा मारोगे थोड़ा उसमें प्रेशर बढ़ेगा लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है क्यों क्योंकि अपने उसमें गैस ज़्यादा डाला है दैट्स हुआ ओके चार्ल्स ला का जो एप्लीकेशन है मैं अप्लीकेशन तुमको एक बार बता देता हूँ ठीक है चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इट वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जो हॉट एयर बलून्स होते हैं ना ओके ऑब्वियसली हम में से किसी ने भी इसमें राइड नहीं किया है बट यू प्रोबली नो कि एक छोटा सा बास्केट होता है इट और वो बास्केट में लोग बैठते बेसिकली और एक बड़ा सा बलून ऊपर हो होता है ओके एंड देन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ फायर जिसको वो नॉब से ये करते हैं राइट दे डू दैट और जिसकी वजह से ये जो बलून है ये ऊपर उठता है ओके okay? इसको बोलते हैं हॉट एयर बलून या फिर वेदर बलून्स होते हैं ओके okay? वेदर बलून्स होते हैं वेदर बलून का प्रिंसिपल ये होता है कि दे हैव हाँ अ बलून जिसमें वो कि कोई लाइट गैस एक्चुअली फिल करते हैं जिससे ये ऊपर जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनिशियली तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा ठीक है तो दोनों केसेस में वही हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है और अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो डेंसिटी क्या होती है डिक्रीज इट डेंसिटी डिक्रीज़ हो गई है इसलिए ये बलून क्या होगा लिफ्ट होगा इसको बो बोल रहे हो अपन ठीक है बलून क्या होगा लिफ्ट होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होगी है रे बलून लिफ्ट होगा सो हॉट एयर बलून में और वेदर बलून में ये प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं चार्ल्स प्रिंसिपल्स ओके ये क्लियर है क्या अवेगैड्रोज लॉ इसका अपलिकेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको और ये जो law, is, uh, pressure, है एमेंटॉन्स लॉ या गेलोस एक्स लॉ ठीक है दिस इज दिस इज समथिंग वेरी सिंपल एक्चुअली टेम्परेचर और प्रेशर इसका रिलेशनशिप डायरेक्ट है टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा ठीक है अब मान लो तुम किसी हिल स्टेशन पे चले जाते हो जनरली कोल्ड वेदर होता है कई अगर तुम बड़े ज़्यादा हिल एरिया में चले गए जैसे लद्दाख चले गए या कश्मीर चले गए है ना वैलीज़ में चले गए वहाँ पे एंड व्हाट हैपन्स है इसकी जैसे लद्दाख में चले गए तुम ओके सो दिस इज़ अ वेरी हीली एरिया और वहाँ पे वेदर जो है टेम्परेचर जो है वो कम होता है सो ऑलरेडी यू आर एट द हाइट तो एयर प्रेशर जो होता है वो कम होता है एयर का प्रेशर ऑलरेडी कम होता है ऊपर से टेम्परेचर कम है टेम्परेचर कम रहने के वजह से जो प्रेशर रहेगा वो और भी कम रहेगा टेम्परेचर कम है तो प्रेशर एयर प्रेशर ऑलरेडी कम है ओके जो भी प्रेशर अपन मेजर करते हैं जैसे वन ए जब अपन मेजर कर रहे हैं तो ये कहाँ पर मेजर कर रहे हैं एट सी लेवल ठीक है और जैसे जैसे हाइट पे अपन जाते हैं तो ये प्रेशर कम होते जाता है ओके okay? अब टेम्परेचर भी अगर कम है तो प्रेशर और भी ज़्यादा कम हो जाएगा और इसीलिए ऐसी जगह पे मतलब सांस लेना दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट समझ में आना वेरी डिफ़िकल्ट तो जनरली अपने को हाइपोक्सिक कंडीशन आती है ये दो कारण की वजह से आ रही है एक तो हाइट पे है उसके वजह से एयर प्रेशर कम है और दूसरा कि कोल्ड वेदर की वजह से और एयर प्रेशर कम है ठीक है सो so, इसीलिए देखना जनरली वहाँ पे जो लोग होते हैं जो रहते हैं उनका जो हाइट uh, है वो थोड़ा सा कम होता है इट बिकॉज एयर प्रेशर कम रहने की वजह से दे एक्चुअली नीड दे गेट लेस एयर एंड सो उनका जो फिजिकल जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से नहीं होता मतलब जैसे यू नो दे डोंट दे डोंट जनरली गेट हाइटेड ओके सो थोड़े से छोटे होते हैं कदमे वो लोग But that's बट दैट्स फाइन दैट इज़ thing. Okay, so ओके nothing wrong with it. नेक्स्ट होता है जैसे एप्लीकेशन जैसे अगर तुमने ये दोनों सुना होगा कि hmm. समर में टायर फटते हैं गाड़ियों के बराबर समर में क्या होता है कि अपन गाड़ी चलाते हैं तो उस समय जो टायर का जो फ्रिक्शन होता है रोड पे. रोड इज़ ऑलरेडी हॉट टायर के फ्रिक्शन के वजह से जो टेम्परेचर है गाड़ी के टायर का वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है अब गाड़ी का जो जब इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर तो अंदर की एयर क्या होती है एक्सपांड होती है एजेंटेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ठीक है ना वॉल्यूम एक हद तक बढ़ेगा उसके बाद वॉल्यूम बढ़ना बंद हो जाएगा मतलब एक्सपांशन बंद हो जाएगा सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा ओके okay? मतलब टेम्परेचर के साथ प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है जब तुम गाड़ी चला रहे हो समर में और अगर टायर अगर वीक है ओके okay, और होता है जैसे तुम गाड़ी चलाते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा केयर देखना पड़ता है कि गाड़ी का कहीं कहीं पे कोई वीक पॉइंट तो नहीं आ गया है कहीं थ्रेड तो खराब नहीं हो रहा है गाड़ी के ये सारे ध्यान रखना पड़ता है गाड़ी चलाते समय ठीक है ना सो so, अगर कहीं वीक पॉइंट आ गया तो यहाँ पे ये जो टायर है ये बर्स्ट हो सकता है एंड आई हैव सीन सम ऑफ द एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट एंड इट्स क्वाइट हॉर्बल क्योंकि यू आर एट अ स्पीड और जब ये टायर फटता है तो देर इज़ एक्सुलेटली नो कंट्रोल ओवर द व्हीकल ओके एंड देर इज ऑलवेज अ डिज़ास्टर फॉलोड बाई इट ये कभी मतलब यू यू डोंट फॉल लाइटली वेन वेन दिस थिंग है जब टायर फटता है तो यू डोंट एक्चुअली फॉल लाइटली वेदर यू आर इन अ बाइक और इन अ कार अगर कार का फटता है तो भी इट्स क्वाइट डेंजरस मतलब यू यूल बेसिकली गोइंग टू क्रैश द कार समवेयर जिसके वजह से Um, some people might actually die. You just the vehicle सम पीपल माइड एक्चुअली डाई जस्ट द वहीकल इन ऑलमोस्ट ऑल केसेज इट It's really bad. Okay. So है should have to. इसलिए समर में क्या करना चाहिए कि गाड़ी में जो हवा भरते ना वो थोड़ी सी कम भरनी चाहिए ओके okay? थर्टी फोर भरते हैं तो थर्टी फोर ना भरते हुए 28, 29 ट्वेंटी नाइन तक ही समर में हवा भरनी चाहिए अंडरस्टूड है क्या सो लेट्स

इन द बलून ठीक है दोनों so, कांस्टेंट है सो वॉल्यूम एंड अमाउंट इज कांस्टेंट। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है सो व्हेन वी कीप द बलून इन द कार द वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट। वॉल्यूम तो पहले बढ़ेगा ना राइट right? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और अगर जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम भी बढ़ रहा है प्रेशर भी बढ़ रहा है अमाउंट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट है इजेड मतलब क्या हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है ओके सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली फॉल्स ओके सो ये देखो सिमुलेशन आई है ओके सो लेट्स टॉक अबाउट तो चार्ल्स लॉ तक अपन ने देखा था बेसिकली इज इट लेट्स टॉक अबाउट वेगाड रोज लॉ ठीक है ना एवेगाड्रोज लॉ का क्या क्या था बेसिकली कि वॉल्यूम जो है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ गैस ठीक है ना सो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे अपन और टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे ओके सो दैट इज़ द चार्ल्स लॉ एक्चुअली सॉरी अवेगाड्रोज लॉ तो वो देखते हैं ये होगी स्केल योगनी वो जस्ट ब्रिंग द वॉल्यूम क्लोजर हियर सबसे पहले तो वॉल्यूम इसका फिक्स कर देते हैं देन वी कैन एड लाइक हंड्रेड गैस पार्टिकल ओके एंड एज यू कैन सी यहाँ पे टेम्परेचर जो है ओके दैट इज थ्री हंड्रेड एंड प्रेशर आ रहा है टेम्परेचर इज थ्री हंड्रेड कैलविन सो टी वन ले लेते हैं और पी वन आ रहा है यहाँ पे ज़ीरो पॉइंट एट एट या ए टी एम सो दैट इज द थिंग अगर मैं ये गैस निकाल दूँ इसके जगह मैं कोई लाइट गैस डाल दूँ सो आई वल गेट द सेम प्रर सेम टेम्परेचर सेम रीडिंग्स इज एंट इट वॉल्यूम भी सेम रहेगा टेम्परेचर भी सेम प्रेशर भी सेम तो यही जो बोलना चाहता था वेगाड्रो कि अगर तीनों कंडीशन सेम है temperature, प्रेशर और वॉल्यूम ये अगर सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब जो अमाउंट है वो भी सेम रहेगा यानी डिजेंट रियली मैटर कौन सा गैस ले रहे अपन तो जैसे यहाँ पे हेवी पार्टिकल की जगह आई कैन टेक लाइट पार्टिकल तो ये निकाल दिया मैंने और इसमें से लाइट पार्टिकल डाले इज इट एंड सो यू गेट द सेम रीडिंग अगेन या सो इसका मतलब क्या हो गया देखो टेम्परेचर सेम है प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है ओके एंड इज गोइंग अप टू जीरो पॉइंट एट फाइव थोड़ा बहुत चेंजेस मिलते हैं बट इट गोज अप टू अप्रोक्सीमेटली सेम प्रेशर एंड दीन्स अवेगैड रोज लॉ इज ट्रू ठीक है ना इफ़ आई चेंज द वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल ठीक है जैसे uh, यहाँ पे वॉल्यूम को नहीं अपन प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हैं ठीक है ना एंड देन इफ आई एड ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ पे डबल कर दिया ठीक है तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली ओके एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी सी यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट डबल हो गया वॉल्यूम सो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ओके दैट इज अवे गैड रोज लॉ अंडरस्टूडिंग नेक्स्ट लॉ है अपना कौन सा है एमेंटॉन्स लॉ है ना गेलोसैक्स लॉ इसमें क्या बोलता है वो गेलोसैक ओके okay. गेलोसैक का रिलेशनशिप है विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर बराबर है ओके सो जो रिलेशनशिप है गेलो सक देट इज बेसिकली बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर ओके तो यहाँ पे वॉल्यूम अपने को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट okay and n is constant okay and then i will add let's say 100 particles yeah okay so jovi volume we can just keep it as a constant volume whatever mm. so we'll just keep this volume as constant volume okay

तो प्रेशर इंक्रीज होगा ओके okay? अगर मैंने प्रेशर टेम्परेचर डबल किया है तो देखो प्रेशर भी डबल हो रहा है, ओके लेट्स गो बैक अगेन टू ओरिजिनल पोजीशन अपना 300 हंड्रेड पे, ठीक है 300 हंड्रेड अगर मैंने टेम्परेचर आधा किया टेम्परेचर आधा किया तो प्रेशर भी आधा हो जाता है यू कैन सी हाउ द पार्टिकल्स आर मूविंग लेस स्लोली इन दिस पर्टिकुलर केस ठीक है तो ये हो जाएगा तुम्हारा अमेंटोज लॉ या गलोसैक्स लॉ ओके अब अपन देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इसी को अपन बोलते हैं कंबाइंड गैस इक्वेशन कंबाइंड गैस इक्वेशन, क्योंकि ये जो चारों लॉज थे थे अपने जो देखे अपन ने इनको अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो ऐसा दिखता है कि दीज आर बेसिकली नॉट सेपरेट लॉज इजेंट इट ये किसी एक ही इक्वेशन का पार्ट है बेसिकली ओके okay? देखो बॉयल्स uh, लॉ ये है ओके वॉल्यूम और प्रेशर इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है ठीक है ना उसके बाद अपन ने चार्ल्स लॉ देखा वॉल्यूम और टेम्परेचर अवेगैडरोज लॉ वॉल्यूम और एन इज इट टेड यहाँ पे अपन अमेंटोज लॉ नहीं दे रहे बेसिकली ओके इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट यू कैन ऑल्सो राइट दैट डाउन दैट्स फाइन ठीक है सो बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ और गेलोसेक्स लॉ ओके ये चारों तीनों लॉ एंड दिस इज़ एक्चुअली अवेगैडरोज लॉ ओके वी हैव वॉन्ट रिटर्न गेलू साइक्र बट यू कैन राइट गेलू साइक्लॉ ओके सर यहाँ पर यह दिख रहा है मेरे को कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप और अमाउंट के साथ मेक सेंस राइट प्रेशर और इन्वर्स प्रेशर uh, और वॉल्यूम का इनका इन्वर्स जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा ओके मतलब कंप्रेस करूँगा ओके तो uh, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इजेंट इट मतलब जब कंप्रेस करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा hmm. तो इजेंट इट दैट्स व्हाट वी सी अगर मैं बलून लेता हूँ और बलून को मैं स्क्वीज़ करता हूँ तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है प्रेशर बढ़ेगा जितना ज़्यादा मैं उसको स्क्वीज़ करूंगा उतना ज़्यादा वो आ, उसका प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम होगा उतना ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ेगा तो ये दिख रहा है मेरे को तो फिर वॉल्यूम को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ वॉलीम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी बाय पी ठीक है ना एन टी बाय पी तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यू कैन ऑल्सो सी यू कैन ऑल्सो सी गेलुसैक्स लॉ यहाँ पे इज एन टेड और राइट टेम्परेचर और प्रेशर ये तुमको यहाँ पे गेलुसैक्स लॉ ही रहा है यहाँ पे ओके टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड तो टेम्परेचर बाय प्रेशर या प्रेशर बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या सो so, ये हो गया अपना कंबाइंड गैस रिलेशनशिप प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दो तो एक कांस्टेंट मेरे को लाना पड़ता है विच इज़ गैस कांस्टेंट आर ठीक है ना सो पी वी पी वी बा एन आर पी वी एन टी इज इक्वल टू आर ठीक है ना इसको रीअरेंज कर दिया पी इधर ला लिया और एन टी को मैंने इधर लाया सो पी वी बा एन टी इज इक्वल टू आर और इसी को मैं रीअरेंज करके लिखूंगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ये अपन ने ऑलरेडी देखा है इक्वेशन ओके पी वी इक्वल टू एन आर टी इसको मैं बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन या कंबाइंड गैस इक्वेशन ओके सो दैट इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं अलग अलग कंडीशंस लेता हूँ फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस मतलब अमाउंट सेम है एन इज सेम ओके तो एन देखो एन इज इक्वल टू पी वी बाय आर टी है पी वी बाय आर टी एन इज इक्वल टू पी वी बाई है तो इनिशियल के लिए मैं पी वन वी वन आर तो कांस्टेंट है टी वन लूंगा ओके okay? उसी तरह से मैं कंडीशंस अगर चेंज करता हूँ तो वहां पे भी एन के लिए मैं, लिए मैं लिखूंगा पी टू वी टू आर टी टू एन कॉन्स्टेंट रहने की वजह से है ना एन वन और एन टू जो है दिज आर बेसिकली सेम तो मैं लिख सकता हूँ पी वन वी वन बाय आर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाय आर टी टू आर आर हो जाता है बचता है पी वन वी वन बाय टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाय टी टू बेसिकली वी आर गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ठीक है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर द सेम गैस ठीक है तो अपने को ये रिलेशनशिप मिलता है मतलब तुम कोई भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर इनका कोई भी पैरामीटर यूज़ करो तो ये तुमको तो यहाँ पे तीनों जो अपने लॉज है बेसिकली ओके अवेगड लॉ अपन नहीं कर रहे क्योंकि अवेगेड लॉ में एन इज कॉन्स्टेंट इजेंट इट यहाँ पर सो so, वो अप्लाई नहीं कर सकते तो अपने ये तीनों लॉज जो है बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ एंड गेलोस लॉ वो तीनों लॉ एक इक्वेशन में आ गए और ये अपन ने ऑलरेडी स्टाइक्योमेट्री में देख चुके हैं ओके सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दिस रिलेशनशिप वेन एवर नेसेसरी तुमको ये देखना है कि चार्ल्स लॉ देखो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू ये तुम्हारा चार्ल्स लॉ हो गया ओके वी वन बाय टी वन सॉरी पी वन वी वन बाय ये जो है ओके मेरी मिस्टेक देख पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू ये हो गया तुम्हारा लॉ वी वन टी वन इक्वल टू वी टू बाई टी टू ये क्या हो गया तुम्हारा चार्ल्स लॉ ओके एंड पी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई ए टू ये तुम्हारा गेल उस एक्स लॉ हो गया ओके okay? सो so, तीनों लॉ एक ही इक्वेशन में तुमको दिख रहा है बेसिकली लेट्स टेक अ रिव्यू क्वेश्चन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिक्स मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ फाइव ए एम ओके टेम्परेचर व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ सिक्स मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ फाइव ए एम क्या हम बता सकते हैं कितना टेम्परेचर होगा यहाँ पे और राइट सो so, यहाँ पे देखो अपने को अगर टेम्परेचर निकालना है यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी एन दिया है मेरे को ठीक है आर तो मेरे को मालूम है बेसिकली टेम्परेचर जो है वो निकालना है अपने को प्रेशर है लेकिन वॉल्यूम नहीं दिया है तो मैं टेम्परेचर नहीं निकाल सकता ठीक है ना बिकॉज वी आर नॉट गिवन विद वॉल्यूम ओके सो बेसिकली वॉट यू नीड इन एनी केस इज़ अमाउंट चाहिए प्रेशर um, चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए इज इट? तब तुम जाके जो टेम्परेचर है वो निकाल सकते हो ओके okay, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है टू ग्राम्स ऑफ अ स्टीम हैव अ वॉल्यूम ऑफ टेन लीटर्स एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर व्हाट वुड बी द मास ऑफ़ स्टीम दैट वुड द वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी एट डबल द प्रेशर एंड टू थर्ड्स ऑफ अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर सो so, अपने को मास दिया है टू ग्राम्स ऑफ स्टीम हैव अ वॉल्यूम ऑफ टेन लीटर्स एट सर्टन प्रेशर ओके एट सर्टन प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉट वुड बी द मास ऑफ द स्टीम तो अपने को सेकेंड मास निकालना है पहला मास दिया है वाट वुड बी द मास ऑफ द स्टीम दैट वुड वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी लीटर्स ओके इसका वॉल्यूम दिया है ट्वेंटी लीटर डबल द प्रेशर जो इसका प्रेशर था एंड टू थर्ड्स ऑफ अब्सोल्यूट टेम्परेचर ठीक है सो so, इसको सॉल्व करने के लिए इट इज़ यूजुअली अ गुड आइडिया टू फॉर्मुलेट अ टेबल एक टेबल बनाओ इसमें सारे डेटाज बराबर केस वन और केस टू या इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन इस तरह से इसको इनपुट करो ठीक है यहाँ पे इनिशियल फाइनल नहीं बोल सकते क्योंकि दीज आर नॉट द सेम सिस्टम्स ओके वी हैव वन सिस्टम जिसका इन्फॉर्मेशन दिया है और सेकंड सिस्टम का आपने को इन्फॉर्मेशन निकालना है इसलिए अपन केस वन केस टू ये यूज़ कर रहे हैं ओके okay? सो so, अपने को प्रेशर देखो इनिशियल कितना दिया है अपने को ऑब्वियसली इनिशियल मास दिया है टू ग्राम ठीक है इनिशियल मास अपने को प्रेशर दिया है पी एट सर्टन प्रेशर बोला है प्रेशर दिया नहीं है सो वी आर अज्यूमिंग इट एज इट टू बी पी इनिशियल वॉल्यूम अपने को दिया है टेन लीटर ओके एंड टेम्परेचर अपने को दिया नहीं है इन सर्टन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोला इसलिए ये टी हो गया सो so, इनिशियल कंडीशन ये हो गए मतलब केस वन होगी अब सेकंड कंडीशन ठीक है ना वॉट वुड बी द मास को मास निकालना है ओके आटीम दैट वॉली ऑफ ट्वेंटी लीटर ओके और यहाँ पे आ, यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वॉलीम ऑफ ट्वेंटी लीटर्स ऑफ गैस ओके तो ये वॉलीम का मास मेरे को निकालना है ठीक है ना थोड़ा सा क्वेश्चन समझना है यहाँ पर पहले तो कि ये जो वॉलीम रहेगा उसका मास मेरे को निकालना है ओके okay?

वॉल्यूम ऑफ टेन लीटर्स एट सर्टन प्रेशर एंड टेम्परेचर ठीक है तो उसका मास कितना रहेगा जब उसका वॉल्यूम ट्वेंटी लीटर रहेगा प्रेशर डबल द प्रेशर रहेगा एंड टू थर्ड्स ऑफ एब्सिल्यूट टेम्परेचर ठीक है ना तो जैसे मैंने बताया कि वेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन मेक श्योर देट यू फॉर्मुलेट अ टेबल केस वन एंड केस टू यहाँ पे अपन डेटा लिखेंगे प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ओके ना इनिशियल प्रेशर अपने को दिया है पी इनिशियल वॉल्यूम दिया है टेन लीटर और इनिशियल टेम्परेचर दिया है टी ओके दिज आर द इनिशियल केसेस फाइनल केसेस में मतलब वो आर गोइंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू ठीक है स्टेट वन टू स्टेट टू में अपन कन्वर्ट कर, कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्वियसली जब अपन चेंज कर रहे कंडीशंस तो मास चेंज नहीं होगा मास इज गोइंग टू बी सेम इजेड सो इसेंशियली वी आर गोइंग फ्रॉम दिस स्टेट टू दैट स्टेट तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज कितना रहेगा ये अपने को निकालना है ओके okay? सो so हम निकालेंगे दो ग्राम का अगर ये है ओके okay? दो ग्राम का अगर गैस लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा फॉर द सेकंड कंडीशन केस टू में तो जब मेरे को ये वॉल्यूम मिलेगा तो मेरे को फाइनल वॉल्यूम जो है 20 लीटर के लिए तो उसके लिए मास कितना रहेगा ये निकालना पड़ेगा विजेंटेड सो so, ये अवेगाड्रोज लॉ से अपन आसानी से निकाल सकते हैं इसेंशियली दो है यहाँ पे और यहाँ पे 20 है तो यू कैन इजीली फिगर आउट कि मास क्या रहेगा मतलब रिलेशनशिप जो है ना सीधा सीधा रेशो प्रोपोर्शन ही है सो यू कैन ईजिली फिगर आउट कि इसका ट्वेंटी लीटर का जो मास है वो कितना रहेगा ये आसानी से बता सकते हो सो बिफोर वी डू दैट वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सेकंड केस ओके मतलब कि जो सेकंड कंडीशन uh, है सेकंड स्टेट है उसका वॉल्यूम निकालना है हमने ओके सो let's डू दैट तो यहाँ पे पी वन वी वन बाई टी वन इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू है ना ये पी वन वी वन बाई टी वन हो गया है पी टू वी टू बाई टी टू इससे अपन वी टू निकाल लेंगे एक बार वी टू आ गया तो फिर अवेगाड्रोज लॉ यूज़ करके वी कैन फाइंड द वॉल्यूम है ना मास एट ट्वेंटी लीटर यूजिंग अ वेगाट्रोज इक्वेशन सो यहाँ पे देखो पी वन वी वन बाई टी वन ओके पी की वैल्यू रख दो पी टेन बाई टी ये इनिशियल कंडीशंस हो गए और ये फाइनल कंडीशन हो गए इसको सॉल्व कर लो बेसिकली तुम या एन गेट इज वी टू इज इक्वल टू टेन बाई थ्री ओके सो देखो पी कैंसिल हो जाता है यहाँ पर टी कैंसिल हो जाता है एन लेफ्ट इज बेसिकली सम्बर इसको रीअरेंज करो तो वॉल्यूम हो जाता है टेन बाय थ्री ये कब होगा फॉर द टू ग्राम्स ऑफ गैस ठीक है ना? टू ग्राम का गैस है तो उसका वॉल्यूम अभी आ गया है टू पॉइंट टू टेन बाई थ्री लीटर्स ओके सो मेरे को इनिशियल वॉल्यूम पता चल गया ओके लेट्स कॉल दिस एज एम वन ओके एंड लेट्स कॉल दिस एज लेट्स कॉल दिस एज वी वन ठीक है ना अब जो एवेगैड्रोज इक्वेशन है वो क्या है एन वन इक्वेशन है वी वन बाय एन वन इक्वल टू वी टू बाय एन टू ठीक है ना एन को अपन लिखते हैं वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ओके ओके सॉरी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ओके ये अपना एन हो गया एज इक्वल टू एन ठीक है तो ये यहाँ पे लिखूंगा मैं ओके एन इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ये यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगा देखो मॉलिक्यूलर वेट सेम रहे मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज गोइंग टू बी सेम एजेंटेट गैस है तो उसका एक्सपांशन ही हो रहा है ना तो उसका जो मोलिकुलर वेट है दैट इज गोइंग टू भी सेम सो वी वन एम बाय डब्ल्यू एन हो जाता है ये ये देखो एम की वैल्यू है ना ये यहाँ पर रख रहा है एन वन की जगह अपन सो एम बाई डब्ल्यू एन हो जाएगा और ये सो एम एम तो कैंसिल हो जाता है एन फॉर गेट इज अ न्यू इक्वेशन वी वन बाय डब्ल्यू वन इज इक्वल टू वी टू बाय डब्ल्यू टू ये जो इक्वेशन है दिस इज ऑल्सो यू आर मतलब एवेकेड्रोज दिस इज ऑल्सो एवेकेड्रोज इक्वेशन फॉर द सेम गैस ठीक है ना फॉर द सेम गैस गैस सेम होना चाहिए इस केस में ओके okay? ताकि मॉलिकुलर मास जो है अपना वो कैंसिल हो जाए सो वॉट यू गेट इज वी वन बाई डब्ल्यू वन इक्वल टू वी टू बाई डब्ल्यू टू अब वी नो कि वी वन है 10, कितना आया था वो वी वन इज टेन लीटर सॉरी वी वन इज टेन बाय थ्री लीटर और है ना टेन बाई थ्री है ना हाँ और डब्ल्यू वन है टू ग्राम्स ओके वी टू अपने को दिया है ट्वेंटी लीटर और डब्ल्यू टू अपने को निकालना है ये आता है ट्वेल्व ग्राम अंडरस्टूड है वी कॉन्ट स्टॉप हियर बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ एंड विल कंटिन्यू विथ स्टेट इन द नेक्स्ट क्लास ओके एंड जो इक्वेशन ने देखे हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी मैं तुमको दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास ओके इफ दर इज एनी डाउट यू कैन आस्क इफ नॉट दिन यू गज कैन लीव थैंक यू वेरी मच ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास ब बाय